गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन आर्च बायोनेम्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज बहुत इजी टॉपिक करने वाले हैं अपन, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, अब लास्ट वीडियो अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। एंड जब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को पूछी थी कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले पढ़ा दूं या फिर मैं पूरा, जैसे रेगुलरली पूरे क्वेश्चंस कवर करती हूं, मैं वैसे कवर करूं। लेकिन आप लोग के पास से मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज अनटिल एंड अनलेस एनीबडी टेक्स्ट मी टेलिंग के नहीं मैम इंपॉर्टेंट करवा दो, जब तक मैं जैसे रेगुलरली पढ़ाती हूँ एक के बाद एक आंसर, वैसे ही कवर करेंगे। इफ इन केस मेरे को बीच में कोई भी आके बोल दिए कि नहीं मैम पहले इंपॉर्टेंट करवा दो, देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन कवरिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट, लेटर ऑन अपन बाकी के भी देख ले सकते हैं भाई। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स बोलते, रेप्टाइल को देखे तो मतलब आप देखे होंगे ना भाई, एक सांप देखे होंगे, एक लिजर्ड देखे होंगे, तो वही कैरेक्टर्स को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा अपन जो देखते जो ऑब्जर्व करते वो एनिमल्स में, वही जनरल कैरेक्टर्स ही अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी आंसर, तो एंड तक देखो और नोट्स अच्छे से बनाओ। तो ये जो रेप्टाइल्स है ऑर्गेनिजम्स, दीज आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। आप कोल्ड ब्लडेड को पॉइकिलोडर्म्स भी बोल सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइकिलोडर्म्स। इसका मतलब इन लोग ना अपनी इंटरनल हीट अपने जैसा नहीं जनरेट कर सकते भाई, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से उन लोगों को अपना एनवायरनमेंट भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब दीज आर इधर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स। जैसे आप लोग देखे होंगे लैंड पे भी दिख जाते रेप्टाइल्स आपको, थोड़े सांप रहते जो स्नेक्स में भी, सॉरी जो पानी में भी दिख जाते, तो दीज आर टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। दे आर क्रीपिंग, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, और दे आर बरोइंग एनिमल्स। ठीक है, अब इनकी बॉडी अगर आप देखें तो एक्सोस्केलेटन रहता भाई इनकी बॉडी पे। नाउ देयर एक्सोस्केलेटन इज ईदर मेड अप ऑफ स्केल्स, शील्ड्स, प्लेट्स और स्क्यूट्स। अब स्क्यूट्स एज इन जो आपको टर्टल्स के ऊपर दिखते हैं ना ऐसे छोटे छोटे शील्ड के जैसे, उसको स्क्यूट्स बोलते हैं। तो या तो इनकी एक्सोस्केलेटन स्केल्स के फॉर्म में रहती, या तो शील्ड्स के फॉर्म में रहती, या तो प्लेट्स के फॉर्म में रहती, और या फिर स्क्यूट्स के फॉर्म में रहती। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो इनकी बॉडी जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल रहती। मतलब अगर ये ऑर्गेनिज्म है उसको आप बीच में से कट करें थ्रू अ सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, आपको ऐसा दो इक्वल हाफ्स आते हैं भाई ऑर्गेनिज्म के। सच सिमेट्री इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री, और जो ऑर्गेनिजम्स ये सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इनकी बॉडी को फोर रीजन्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं, नेमली हेड, नेक, ट्रंक, टेल। राइट, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो लिम्स, इनके पास टू पैड्स रहते हैं, टू पैड्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, दैट इज द रीजन वाई इन लोग टेट्रापोड्स को बिलोंग करते हैं। अपन क्लासिफिकेशन देखे थे पहले के वीडियोस, आप देख के ये वीडियो देखो तो आपको एक क्लैरिटी मिलती कि अपन क्या कर रहे हैं। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल गाइस, यूनिट टू नहीं कर रहे अपन, यूनिट वन कर लिए सेमेस्टर टू का। अब नाउ वी हैव स्टार्टेड विद यूनिट थ्री, बिकॉज एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूनिट थ्री स्टार्ट करने के लिए, सो दैट इज द रीजन वाई वी हैव स्टार्टेड विद यूनिट थ्री। यूनिट थ्री खत्म करने के बाद विल गेट बैक टू यूनिट टू। ठीक है, अब लिम्स देखो, इनके पास दो पैड्स रहते हैं, पेंटाडैक्टाइल मतलब फाइव डिजिट्स। अपने पास कैसे फाइव डिजिट्स है, उनके पास भी फाइव डिजिट्स रहते, बट ये जो इनके डिजिट्स रहते वो क्लॉड रहते, सो दे हैव क्लॉड डिजिट्स, दे हैव पेंटाडैक्टाइल एंड क्लॉड डिजिट्स। लिम्स जो है दीज आर एबसेंट इन स्नेक्स एंड सम लिजर्ड्स, तो थोड़े रेप्टाइल्स जैसे स्नेक और थोड़े लिजर्ड्स में लिम्स जो है एबसेंट रहते, बट मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट विच आर पेंटाडैक्टाइल एंड दे हैव क्लॉड डिजिट्स। राइट, अब एंडोस्केलेटन देखो, इनका बोनी एंडोस्केलेटन देखने को मिल जाता है। दीज ऑर्गेनिजम्स या फिर रेप्टाइल्स हैव बोनी एंडोस्केलेटन। स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक स्कल बोल, तो स्कल जो है वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट होता थ्रू वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, तो इसलिए इनका मोनोकोंडाइलिक स्कल रहता। ठीक है, अब इनके पास देखो टी शेप्ड इंटरक्लेविकल भी देखने को मिल जाती। अब टी शेप्ड इंटरक्लेविकल कुछ ऐसी दिखती, क्लेविकल के बीच में जो और एक बोन रहती दैट इज द इंटरक्लेव, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरक्लेविकल। अब वो टी शेप अपियरेंस दे रहा है, तो इसलिए टी शेप्ड इंटरक्लेविकल रेप्टाइल्स के पास दिख जाती। ठीक है, माउथ देखो टर्मिनल पोजिशन में है, वेरी सिंपल माउथ, माउथ इज सिंपल टर्मिनल इन पोजिशन एंड इट कंप्राइज ऑफ कोनिकल टीथ ऑन द जॉस, तो इनके टीथ जो है वो कोनिकल रहते और वो जॉस के ऊपर रहते। ठीक है, माउथ टर्मिनल पोजिशन पे है। नाउ ए सी स्टैंड फॉर एलिमेंट्री कैनाल, अब देयर एलिमेंट्री कैनाल विल टर्मिनेट इन द क्लोएकल अपर्चर, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा, क्लोएकल अपर्चर में टर्मिनेट हो रहा। नाउ दीज आर कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स, अपन को मालूम है। रेस्पिरेशन देखो, इट्स बाय लंग्स, क्योंकि इन लोग ज्यादा लैंड पे दिख जाते ऑर्गेनिजम्स, इनका रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स।
अब हार्ट देखो, दे हैव टू ऑरिकल्स एंड इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, तो थ्री चेम्बर हार्ट देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल के पास अपन को फोर चेम्बर हार्ट देखने को मिल जाता। नेक्स्ट, इनका जो ब्रेन है दैट इज मोर डेवलप्ड व्हेन कंपेयर टू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को कंपेयर करें तो इन लोगों का ब्रेन मोर डेवलप्ड रहता है एंड दे विल हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। टोटल कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है? उनके पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। अब किडनी देखो, मेटान किडनी है, नाउ दिस इज द परमानेंट किडनी फाउंड इन दीज एनिमल्स एंड दीज आर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स मतलब वेस्ट इज सेक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर अमोनिया सेक्रीट करे तो अमोनोटेलिक, अगर यूरिया सेक्रीट करे तो यूरियोटेलिक, अब यूरिक एसिड सेक्रीट करे तो यूरिकोटेलिक, और ये जो ऑर्गेनिजम्स है रेप्टाइल्स, दीज आर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं उन लोग, ठीक है। अब सेक्सेस सेपरेट है, ऑब्वियसली अपन सबको मालूम, लिजर्ड्स में भी अपन देखते हैं, स्नेक्स में भी अपन देखते हैं, टर्टल्स में भी अपन देखते हैं, मेल फीमेल अलग ऑर्गेनिजम्स रहते, तो सेक्सेस आर सेपरेट। मेल के पास ना कॉप्यूलेटरी सैक रहता है, जिसको हेमीपीन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ मेल्स विल हैव अ कॉप्यूलेटरी सैक और या फिर हेमीपीन्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब द यंग विल रिसेम्बल द अडल्ट फॉर्म, छोटा रहता है बट अडल्ट को रिसेम्बल करता है। जैसे आप लिजर्ड के बच्चे देख लो, स्नेक के बच्चे देख लो, छोटे छोटे रहते बट अडल्ट को ही रिसेम्बल करते। एंड इनके पास नो पेरेंटल केयर इज सी। नो पेरेंटल केयर मतलब पेरेंट अगर केयर कर रही बच्चे की तो दैट इज कॉल्ड एज पेरेंटल केयर। अब यहाँ पे एक बार बच्चे हैच आउट होने के बाद अपनी अपनी जिंदगी खुद जी लेते, पेरेंट्स ऐसा स्पेसिफिकली केयर नहीं करते, सो नो पेरेंटल केयर इज सीन इन दिस ऑर्गेनिजम्स। विद दिस अपन जनरल कैरेक्टर्स खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन करेंगे। सो या गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। एक और बात मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई कि डिग्री के जो वीडियोज रहेंगे वो आपको एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मिल जाते हैं ये चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यूट्यूब वीडियोस है, सॉरी जो यूट्यूब शॉर्ट्स है, उसमें अपन नीट का कंटेंट कर, तो ये अर्च बायोनेम्स चैनल पे मोस्ट ऑफ द नीट कंटेंट इज कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, वेयर एज जो डिग्री के वीडियो लेक्चर्स है दे आर कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड एज आई सेड यू, ये जो डिग्री के वीडियोज रहते हैं दैट विल बी अवेलेबल ऑन आर चैनल एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, और आप इंस्टाग्राम हैंडल पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, दैट इज @arch_bionims। ये चैनल पे आप एक DM कर सकते, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल, टेक केयर, बाय बाय।